तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल याकास फन। दिस इज मी सुभाष राय और आज मैं बोगाजन पे हूँ, जो नया एक पार्क बना हुआ है। अभी तक खुला नहीं है, लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जो चिल्ड्रन पार्क जैसा है, अभी तक खुला नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बाहर से एक्सप्लोर करूँगा और सबको आग्रह करूँगा कि ये जल्द ही खोलने वाला है और आप लोग आके इसका आनंद उठाइए। यहाँ पर एक भाई भी है, भारत शर्मा, वो मेरा भाई दोस्त है, जैसे कि जान पहचान है, उसको आके मैं बात किया जो कब खोलने वाला है। शायद हमको तो श्योर नहीं है, पर वो उसको पूछ के मैं बता दूंगा कि आप लोग को ये कब खोलने वाला है। और ये थोड़ा मैं साइड से आप लोग को व्यू दिखाऊंगा, उतना ही है। ये आपका बोगाजन पे धनसिरी ब्रिज का ऊपर में मिलेगा, आप लोग सबका पता ही होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बाहर का व्यू, सिर्फ मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, जो जब खोलेगा तभी मैं अंदर की तरफ में एक्सप्लोर करूँगा। ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। अब मैं भाई को थोड़ा पूछूँगा। सो अभी मैं यहाँ का केयरटेकर भाई है, जो भारत शर्मा, उससे थोड़ा पूछूँगा कि ये कब तक खोल पाएगा। सो हेलो भाई। हेलो। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। सो भाई, अभी आप कुछ बोल पाएंगे ये कब तक चालू होगा, कब तक एंट्री मिलेगा हम लोग को? ये तो अभी हमारा ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, ये सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का है। अच्छा अच्छा, सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। हाँ, यहाँ से अभी पार्क अभी इसलिए बंद है क्योंकि डिपार्टमेंट से ऑर्डर अभी दिया नहीं है। अच्छा, जब ऑर्डर आएगा नया SOP सर आएंगे। अच्छा, ऑर्डर देंगे पार्क खोलने के लिए तो हम खोल देंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल इन्वाइट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, विजिट करने के लिए बिल्कुल। अपना बहुत फैसिलिटी है इधर, बोटिंग भी है। क्या क्या चीज़, क्या क्या देखना मिलेगा हम लोग अंदर पे? आपको बोटिंग करने के लिए मिलेगा और इधर पिक्चर्स वगैरह लेने मिलेंगे, और इधर एक बढ़िया घर भी बना हुआ है, कार्बी का घर, जिसको बोलते हैं हेमथुम। हेमथुम कार्बी का घर है ना? हाँ जी। अच्छा, बाहर से इतना एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि अगर बाहर से ज़्यादा कर लिया तो आदमी लोग ज़्यादा देख लेगा ना, तो फिर नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ छोटा छोटा ही, मैं ऐसे कि मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप वैसे ही दूंगा, और क्योंकि सब तक बाहर से मैं एक्सप्लोर करने से फिर बाद में कौन आएगा। ये हम लोग का अपने ही बोगाजन पे है, बोगाजन वासी लोग। छोटा पार्क है लेकिन सुंदर, एकदम सुंदर, सब कुछ मिलेगा इसमें, बोटिंग मिलेगा, इसका अंदर में हेमथुंग बोल के जो घर है वो घर मिलेगा आप लोग को। ये साइड साइड में देखिए, तो अंदर से मैं एक्सप्लोर तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी एंट्री नहीं मिला है। अभी वहाँ का SOP, नया SOP आने के बाद ही ये खोलेगा बोल रहे। और जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सोइल कंजर्वेशन पार्क है, सोइल कंजर्वेशन पार्क। अब मैं ज़्यादा उस पार तो जा नहीं सकता हूँ, सिर्फ ये साइड से दिखा रहा हूँ आप लोग को। और मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि सबसे पहले इस पार्ट का व्लॉग मैं ही लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ये मेरा वादा रहा। क्योंकि जब खोलेगा साथ सबसे पहला मैं एक्सप्लोर करूँगा इस पार्ट को अंदर में घुस के। अगर नहीं मिला तो ये मेरा भाई है जो ये यहाँ पे ये खाएगा ये। इसीलिए सबसे पहला अभी ये टिकट काउंटर भी इधर बना हुआ है। अभी मैं अंदर तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा आप लोग को, सिर्फ एक ये वो थोड़ा ही दिखा पा रहा हूँ मैं इधर। देखिए चिल्ड्रन पार्क, ये एक्चुअली ये चिल्ड्रन पार्क है, ये आप लोग का बच्चा लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेके घुमाने के लिए वो लोग को, वो इट्स बेटर फॉर द चिल्ड्रन। सो आई सजेस्ट एवरीवन टू कम एंड लाइक ब्रिंग योर चिल्ड्रन जब ये खोलेगा तब। सो इतना ही एक्सप्लोर करना है अभी मैं इतना ही एक्सप्लोर करूँगा। सो गाइस, सो जब खोलेगा तब मैं आपको फुली एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही है। सो आप लोग ज़रूर आइए, ये बोगाजन का स्टेशन जो कहाँ है भाई, इसके लोकेशन बोला दो। रेल गेट के सामने, रेल गेट आलूबारी रेल गेट का सामने, जस्ट धनसिरी नदी का ऊपर पे है। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और आप लोग को वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये खोलने के साथ साथ ब्लॉग में ही आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगा। तो तब तक आप लोग बने रहिए, स्टे ट्यून।
कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। बाय बाय बोलो ना बाय।